सोईरा छाड़ के कर हो आन की आस ते नर दोज के जाएंगे सत पाके रविदास हर सोईरा छाड़ के कर हो आन की आस ते नर दोज के जाएंगे सत पाखे रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक दल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप परंता है नंता पति पावन नाम कैसे हमता रहा तुम दो नायक अच्छो अंतरयामी पवते जनजा निजे जनते स्वामी शरीर आराधे मोको विचार देहु रविदास समदल समझावे को जपो जी सतना। हर 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 हरे हर सिमरत जन के निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निम्त नाम दो दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता यो गुर प्रसाद नरक नहीं जाता जपो जी सतना। सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध नवनिध करतल ताके हर 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 न जपे रसनावर सत्याग बचन बचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद भी चौथी सखर माही व्यास विचार के हो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाध उपाद रहत हुन बड़े पागली बिलागी कह रविदास प्रगास हृदय ते जन्म मरण पे भागी जपो जी सतनाम। ऐसी लाल तुझन कौन करे ग्रीव निवाज गुसैया मेरा माथे शतर तरह रहाओ जाति शो जगत को लागे तापर तू ही डरे नीचे उच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे नाम देव कबीर तलोचन सजना सहन तरे कह रविदास सुनोरे संतो हर जियो ते सबे सरे जपो जी सतना। दारी विदेख सबको हसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध करतल है सब कृपा तू महारी तू जानत मैं किश नहीं पव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रपूर्ण काम रहाओ जो तेरी शरणागता तिन नाही पार ऊंच नीच तुम ते तरे आलज संसार कह रविदास अकत कथा बोकाए क्रीजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे जपो जी सतन। तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज सतगुरु नामदेव जी महाराज सतगुरु कबीर जी महाराज सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज सतगुरु सदना जी महाराज बाबा फरीद जी महाराज संत रंका जी महाराज संत बंका जी महाराज भगवान श्री चंद बाबा लक्ष्मीदास जी संत मीराबाई जी संत पिलनी जी महाराज सभी गुरु महापुरुषों के पावन पवित्र श्री चरण कमलों और सेवा सिमरन कमाई वाल तिहन तरके जपो जी सतना। तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर वाराणसी हरिद्वार बेगमपुरा डेरा सचखंड बल्ला सभी गुरुधामों के निशानों के दर्शन दीदार का ध्यान करके जपो जी सतना। तन तन श्री गुरु बाबा पिप्पल दास जी महाराज तन तन सतगुरु स्वामी सरवन दास जी महाराज तन तन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज तन तन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज गुरुगद्दी पर विराजमान सत्कार्यो सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज रविदासिया कौम बेमर शहीद ब्रह्मलीन श्रीमान एक सौ संत रामानंद जी महाराज सभी गुरु महापुरुषों के पावन पवित्र श्री चरण कमलों और सेवा सिमरन कमाई वाल ध्यान करके जपो जी सतन। हम सर दीन दयाल न तुम सरा पति आल क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हो बलबल जाओ रमैया कारने कारण कह में बोल रहा हो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो हे जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पे दर्शन देखे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज। इस वेले की अरदास आप जी के पावन पवित्र श्री चरण कमलों के पास अरदास विनती मंजूर हो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी आप जी के 635वें प्रकाश दिहाड़े नु मुख रख रहे हो महान तपो स्थान डेरा सचखंड बल्ला दे महान मान पुरुष गद्दी नशीन सतगुरु स्वामी निरंजन दास सतगुरां दी पार पार कृपा दे द्वारा श्री गुरु रविदास पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के अधीन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज
आप जी के पावन पवित्र जन्म स्थान मंदिरां दे दर्शन दीदारे सतगुर सत्य पातशाह वीनस चैनल राही काशी टीवी 805 राही समुचियां संगतां नूं सतगुर सत्य पातशाह दर्शन दीदारे करवाए जा रहे हैं। सतगुर सत्य पातशाह यह नवा चैनल शुरू करन दी आप जी के चरणा पासों आग्ञा मंगते हैं, आग्ञा बख्श करो सतगुर सत्य पातशाह कृपा करनी यह चैनल दिन दुगनिया रात चौगनिया तरक्कियां बख्शे कहे सतगुर सत्य पातशाह सारे सेवादारा दिया सेवा चरणा प्रवान करनिया सेवादारा सेवा करने का बल बख्शे करना और सारिया संगतां ते सारे सेवादारा ते अपने आशीर्वाद बख्शे करने कृपा करनी सारे जयंती समागम खुशियां भरिया भाग भरिया बतीत हो सही सज्जन संत प्यारे मिलना जिन्हें मिला तेरा नाम चेतावे धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज सतगुरु स्वामी सरबंदा जी हे अकाल पुरख अंतर्यामी इस वेले की अरदास आप जी के पावन पवित्र श्री चरण कमलों के पास अरदास विनती मंजूर हो पातशाह आप जी के नाम नहीं हो चढ़दी कला करदी पीड़ा तेरे भाणे सर्वत का भला हर सोहीरा छाड़ के कर है आन की आस ते नर दो जक जाएंगे सत पाखे रविदास हर सोहीरा छाड़ के कर है आन की आस ते नर दो जक जाएंगे सत पाके रविदास ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे परसन छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे परसन बोले सो नृप श्री गुरु रविदास महाराज की बोले सो नृप श्री गुरु बाबा पिपल दास महाराज की बोले सो नृप सतगुरु स्वामी सरवन दास महाराज की बोले सो नृप सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की बोले सो नृप सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की बोले सो नृप अमर शीर संत रामानंद महाराज की बोले सो नृप सर्व पेक भगवान की श्री गुरु रविदास शक्ति 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 बोले सो नृप श्री गुरु रविदास महाराज जय जय गुरुदेव धन गुरुदेव सतनाम सतनाम सतनाम। परम पूज्य गुरु रूप गुरु प्यारी साध संग जी आज बहुत ही भागा भरिया दिहाड़ा है। अज है धन धन सतगुरु दामराज जी का प्रगट दिवस सुदास निर्मल महेब वालों आप सर्व संगतां कंसी रेडियो की पूरी टीम वालों बीनिस की पूरी टीम वालों सब जगत निवासियों धन धन सतगुरु दामराज जी के प्रकाश उत्सव के उपर लख लख बधाई होवे। गुरबाणी का कथन है जब जब फैले जगत में कूड़ पाप अंधियार तब तब राखी हाथ दे रविदास एक राम हमार। आप जी ने हुने हुने देखा है कि किस तरह बड़े ही उच्च कोटी दे प्रबंध किए गए ने गुरु की नगरी कांसी विखे अते उतों आप जी ने जो अरदास हुई है हुण हुणी प्रोग्राम आरंभ कर लई अते कांसी रेडियो कांसी टीवी जो है ओदा जो अज आरंभता अते ओदे अगे दे बहुत ही चाहे चढ़दी कला दी जो अरदास कीती गई है वह आप जी ने सरवण कीती है। गुरबाणी का फरमान है कि जदों भी इस दुनिया के उपर कूड़ पाप ते जुल्मां दी अंधेरी झुली जुल्मों सितम होए उदों उदों ही अकाल पुरख परमात्मा वालों इस दुनिया उपर
अपनी रूह अकाल पुरख परमात्मा वालों एक इंसानी जामे दे वेच भेजी गई। इंसानी जामे दे वेच गरीब जुलमां ते लताड़े जा रहे वर्ग की राखी लई हमेशा ही टाइम टू टाइम परमात्मा इस संसार दे उपर गुरु पीर पैगंबर औलिए भेजदा रहा है। ठीक इसे तरह ही जो भारत की धरती से जुलमां ते पापां दी अंधेरी चुल्ली बंदे का बंदा खून पीन लगा जब धर्म के रखवाले ही दरेंद्यां दा रूप धारण कर गए अते राजे महाराजे पाप कमाउण लगे फिर धरती ताहां मार के रोई अते परमात्मा का सिघासन डोलिया। तद उसे परमात्मा खुद धन धन सत गुरदास महाराज के रूप में प्रगट होए। गुरबाणी का फरमान है ऊंच ते ऊंच नाम दियो समदारसी रविदास ठाकर बनवाई। इसे तरह ही कथन है जो कि इतिहास दे विच साडे सामने आता है 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेत प्रगटे गुरु रविदास। धन धन सत गुरदास महाराज जी पिंड सीर गवर्धनपुर डाकखाना BHU जिला बनारसी उत्तर प्रदेश में माता कालसा ते पिता संतोख दे घर प्रगट होए। उन्होंने बाबा जी कालूदास जी दादी जी माता लखपति जी नाना जी बाबा बारू जी नानी जी माता हरा देवी जी अते फुफड़ जी बाबा रघु जी भूआ जी माता करविन्या जी अते धर्म पत्नी माता भागवान देवी जी और समय दे राजनीतिक समाजिक आर्थिक धार्मिक अते सभ्याचारक हालात बहुत ही नाजुक डरावने अते अस्थिर सन। बंदे नूं बंदे दे एक दूजे दे नाल बन दिता गया सी अते उस मौके दे धर्म दे ठेकेदारां ने ऊंच नीत भेदभाव अते हर एक इंसान नूं एक दूजे दे नाल नफरत करन लई मजबूर कीता होया सी। धन धन सत गुरदास महाराज जी अपनी पावन बाणी राही लिखदे हन कि जो जीव परमात्मा दी नाम नहीं जपदा हरी रूपी नाम छड के किसे होर असामा दा ख्याल करदा है जो लोग भटकदे फिरदे ने ओ जरूर नरकां विच जाके ही धक्के खाणगे। हर सो हीरा साड के करे आन की आस ते ना दो जिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐ तो साबत हुंदा है कि धन धन सत गुरदास महाराज जी दा ए पक्का विश्वास सी कि धन जो भी इंसान किसे होर चीज दे मगर लगदा है जो जीव भाव सागर तो पार होना चाहुंदा है अते आवागमन दे चक्कर चो निकलना चाहुंदा है 84 दा गेट खत्म करना चाहुंदा है तो मनुख नू कदे भी परमात्मा दा नाम भुलना नहीं चाहिदा उहदा नाम सिमरन करना चाहिदा है क्योंकि सिर प्रभु ही है जो भाव सागर तो पार लंघा सकदा है 84 दा गेट कर सकदा है। परमात्मा ही है जो घट घट विच बस रहा है अते सारिआं दा कृपालू है वो सारिआं दे दुख कट्टण दे समर्थ रखदा है। कह रविदास जो जपे नाम तिस जात न जन्म न जोन काम अते हर 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 न जपे रसना अबर सबे त्याग बचन रचना। तो सत गुरदास महाराज जी ने जो सानू उपदेश दिता है वह सर्व सांझी बालता दा संदेश अज तो 635 साल पहला 635 प्रगट दिवस सारे संसार दे विच अज बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है। सो सत गुरदास महाराज जी ने जो सानू संदेश दिता है परमात्मा की सिफत करनी बहुत ही कठिन है उस बारे कोई उदाहरण नहीं दिती जा सकती परमात्मा दे बारे क्योंकि उन्हें बयान करना बहुत कठिन है क्योंकि उस वर्गा कोई होर है ही नहीं। जोगी सिर पावे नहीं तोगण कथन अपार। धन धन सत गुरदास महाराज फरमाते ने कि प्रभु दा जो बयान करना इस करके कठिन अते संभव है क्योंकि उस वर्गा कोई होर है ही नहीं केवल ते केवल एक उही है अते सारिआं विचों आप ही विचरिया है। एक ही एक अनेक होई बिस्तरियो आन रे आन भरपूर सो।
ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਪਛਾਰਾ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੇ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੇ, ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਬਸਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਇੱਕ ਅਨੇਕੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਭ ਘੱਟ ਭੋਗਵੇ ਸੋਈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੇ ਨੇੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
असी अज श्री दास महाराज के जन्मदिन मनाने के लिए जिहड़ियां संगतां लंडन तो इंडिया आ रही हैं राजा संसी एयरपोर्ट से अमृतसर असी ना स्वागत करने के लिए इत्थे आए हैं। इंग्लैंड तो आने वाली संगतां लई सिर्फ इंग्लैंड तो नहीं पूरे वर्ल्ड तो जिन्हें भी संगतां डेरे ले आउंदियां हर साल गुरु महाराज की कृपा के नाल मैं उन्होंने तन मन धन तो सेवा करता। महाराज का इन्ना आशीर्वाद है कि मैं इतने 28 साल कट के गया एयरपोर्ट से पिछले 10 साल तो मैं सेवा च लगा हाँ। एडा तकड़ा आशीर्वाद है जो महाराज इतने चरण पाए ना पहली बारी तो उस दिन तो लैके अज तक इस एयरपोर्ट ने इन्नी तरक्की की है हद तो ज़्यादा तो उसी हिसाब ना जो सा डेरे की संगत है ना हर साल बढ़ती जा रही है और सारी संगत जी है ना अमृतसर आके बहुत खुश है उन्होंने अपनापन महसूस हों तो महाराज का भी साढ़े से बहुत भरोसा है तो महाराज भी बहुत खुश है। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ऑन बिहाफ ऑफ एयर इंडिया वी वेलकम ऑल द फॉलोअर्स ऑफ गुरु रविदास जी इन पर्टिकुलर द मेंबर्स एंड ग्रुप लीडर्स ऑफ संत सरवन दास चैरिटेबल ट्रस्ट हु आर ट्रेवलिंग ऑन एयर इंडिया विद अस एंड हु हैव बीन पेट्रोनाइजिंग एयर इंडिया फॉर द लास्ट 5 years कंटिन्यूसली। We wish them all the best of luck and we welcome them at Amritsar and we hope they stay with us in future also. Thank you. Thank you very much, sir. Sanu bahut khushi hai ki baro jehdi sangat aa rahi hai assi unna nu swagat karan layi taiyar hai doctor hon de nate unna nu har tarah di medical facility provide karan de koshish karanga jinni hai saadi team jehdi health di hai itthe पहले तो मैं सारे श्री गुरु दास महाराज जी के गुरपुरब की लख लख बधाई देना चाह रहा तो दूजा असी जो इंग्लैंड तो जी संगत आ रही है उन्होंने रिसीव कर आया गया साढ़े दिल्च बहुत चाहेगा सर बहुत बेसब्री इंतजार कर रहे हैं कि सारे जने आइए असं सारे जने मिल के सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म पर विकाशी बनारस चलीए उ जाके सारे ना मिल के आप गुरपुरब मनाइए ये सू मौका अच्छ मिले है सतगुरु रविदास महाराज का मिशन असी कर कर वेलकम जी थोड़ा कंची टीवी पंजाब चो थोड़ा स्वागत करता है जी जी आया नू वेलकम थैंक यू हड़ा मेरे गुरु का मनांदिया बड़ी खुशी है कि असी अपनी मातृभूमि इस भारत की भूमि को नमस्कार करने वास्ते आए जिते साढ़े साहब सतगुरु रविदास महाराज ने प्रकाश धारण किया असी सारे ही उस महान रहबर क्रांतिकारी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज नूं परदेसां दे विचों संगतां लैके श्रद्धा लैके इच्छा लैके प्यार लैके नमस्कार करने वास्ते आए हैं और अरदासा करना आए हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी चढ़दी कला बख्शिश करन और जिहड़ा इत्थे दे अमृतसर के एयरपोर्ट के स्टाफ ने या इतों के जिन्हें भी डिग्नेटरी ने ऑफिसर ने जोड़ा उन्होंने साडा साथ दिता सत्कार किया असं उन्हों का भी धन्यवाद करते जय गुरुदेव जी। एक बार फिर कंसी टीवी पंजाब और तेरा सकना मतलब थोड़ा स्वागत मैं धन्यवाद जी है धन्यवाद सब तो पहला तो मैं सारी संगत दूँ इतने एयरपोर्ट के वर्करा जय गुरदेव आखदा हाँ
वड्डी चीज़ ये आ असी इस धरती का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि साढ़े गुरु की इज्जत होने लग पई है। वो टाइम सी ये साढ़े गुरु नूं असी आप ही नहीं मानते सी दूजे नूं कहन मनना सी। जिहड़ा तुसी ये स्टेप चुकिया ये बहुत ग्रेट है, सारी दुनिया से चल पाया कि आपां अपने गुरु नूं मनीए, आपां दूसरियां नूं भी आपां इज्जत देईए। ज़्यादा आपां अपने गुरु नूं नहीं इज्जत देंदे, आपां किसे नूं दे नहीं सकते। और काम वो करना कि जिहड़ा सारी दुनिया नूं चंगा लगे, साडी कल्ली कौम नूं नहीं चंगा चाहिए, सारे भारत के लोगों नूं, दुनिया के लोगों नूं पता होना चाहिए कि ये सोहना काम करदे, फिर साडी इज्जत है। और थोड़ी भी इदा ही इज्जत बनती कि तुसीं साडे नाल इन्ना जुड़ गए हैं कि जिहड़ा असीं काम नहीं करते वो तुसीं कर रहे हैं। तुहानूं पता होना चाहिए इस वेले साडे गुरु की अपनी संगत की दुनिया जय जयकार हो रही है। सारे दफ्तरां च हैरान हो रहा है कि ये आदमी आए काम करन आए सी, एडा वड्डा स्टैप नहीं चुक लिया कि जिहड़ा कोई नहीं कर सकता सी। सो इस करके असी थोड़े ते अपने गुरु ते अपने संतां ते सारे थोड़े भारत के लोगों ते असी हैप्पी हाँ ते जिहड़ा तुसी सानू आया नूं वेलकम आ। प्यारे दर्शको, हरवान शौकी कांची टीवी वालों, श्री गुरु अरदास मिशन इंटरनेशनल इंग्लैंड वालों इत्थे गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर के उत्ते जिहड़ियां संगतां इंग्लैंड तो आईयां ने उन्होंने नाल लै के जेडे भी इत्थे दे स्टाफ ने, भारत वासी ने, पंजाब वासी ने, इन्हां सारे नूं अज इस शुभ दिहाड़े उत्ते बधाई दिंदे हां। शुभ दिहाड़ा इस वास्ते है कि यह संगतां माघ दी पुन्निया नूं मनाउण वास्ते परदेसां दे विच्चों अपनी अरीजां, अपनी शरदा, अपना प्यार, अपनियां इच्छावां, अपनियां मनोकामना लै के इत्थे हाजिर होईयां ने। और जो सानूं इत्थे दे एयरपोर्ट दे सहयोग दित्ता है और जिन्ने भी इत्थे दा स्टाफ है, जिन्ने भी ऑफिसर ने, असी उन्हां दा धन्नवाद करदे हां। और नाल ही असी आस करदे हां कि इत्थे पंजाब दे विच, हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच जिन्ने भी महापुरश आए ने उन्हां दीआं आशीर्वादां दा सदका है। ये सानू एक वरदान आ कि असी परदेसां विच बैठे हुए भी अपने दिलों के, अपने वडेरियां दा, अपने बजुर्गों का, अपने गुरु साहबान का असी प्यार लैके बैठे हाँ। और उही प्यार लैके और तुहाडा जिहड़े सानू तुसी स्वागत करदे हो, जो तुसी सानू हर साल इन्ना प्यार दिंदे हो, ये प्यार लैके ये सानू खिच के लिआउंदा। और असी आस करदे हाँ कि तुसी हमेशा साडा प्यार इस तरीके नाल बनाई रखो और असी हमेशा आउंदे रहीए, अपने गुरु नूं चेते करदे रहीए, अपनी मातृ भूमि नूं चेते करदे रहीए, अपने देश नूं चेते करदे रहीए और इस पवित्र धरती नूं नमस्कार करने वास्ते साडी खिच बनी रहे। असी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। मेरे नाल इस वेले इंग्लैंड तो सरकारदा मैंबर इत्थे आए ने और मैं सब तो पहले शशि कुंडेल जी जिहड़े कि एयर इंडिया दे स्टेशन मैनेजर ने इत्थों दे और उन्हां दा भी धन्नवाद करदा, साडे CMO साहब SP सिंह जी और शर्मा जी और उन्हां दे नाल होर बहुत सारे स्टाफ जिहड़ा इत्थों दा है, असी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। नाल ही प्यारे दर्शकों, इंग्लैंड तो जिहड़ियां संगत आईयां ने, कांची टीवी दे संचालक, कांची टीवी दे फाउंडर मैंबर, कांची जिन्हां दीआं घालनावां दा सदका है अज कांची टीवी पहली वारी दुनिया दे विच गुरु रविदास माई दे नां दे उत्ते इंग्लैंड दे विच आया है। और इन्हां दीआं सेवावां बेअंत ने। बंगा जी, तुसीं अज इंग्लैंड तो आए हो और तुहाडा प्यार, तुहाडीआं सेवावां दुनिया जाणदी है, पर अज तुसीं गुरु अरदास मिशन दा गुरपुरब मनाउण वास्ते संगतां नाल लै के, कांची टीवी नाल लै के आए हो, तुसीं किहो जिहा महसूस करदे हो? अज महसूस बहुत ही सोहणा ते वधिया हैगा। असीं सारी संगतां दे नाल इंग्लैंड तों ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਗਤ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾਲ ਮਡਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾਲ ਮਡਾਰਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਰੋ ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੋ ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੋ ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
सतगुर ने जिते लगा कष्ट उठाए ने मांग तारिया को धरती का हर जलना दुख होए हलो बनारस साध संगत जी एक इतिहास रचाउणा है रविदास दे मंदिर सोने दे विच बणाउणा है रविदास दे मंदिर सोने दे विच बणाउणा है जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के 635वें जयंती पर्व एवं रविदास के तीसरे स्थापना दिवस पर संत रविदास सोसाइटी की ओर से आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले संत रविदास सोसाइटी के सभी मेंबरों का श्रीमान 108वें दास जी महाराज अपनी तरफ से और मंच पर विराजमान संत समाज और श्री गुरुदास जन्म स्थान कवरी के सभी मेंबरों की ओर से धन्यवाद करता हूँ और आज के शुभ अवसर पर लाख लाख बधाई देता हूँ। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने सब जीवों को प्रेम का मार्ग दिखाया, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए, साचे स्वामी मन को आनंद कहे न जाए। इस सब जीवों को इस अमौलिक जन्म में प्रभु के साथ प्रेम करना चाहिए और रविदास किया है बसरियो मानव प्रेम नहीं, मानवता के साथ प्रेम करना चाहिए और संत मन को अंतर नहीं, संतों की संगत करनी चाहिए और हर के नाम में जूठे सगल पसारे, हर का स्मरण कर अपने मूर्ख जन्म को सफल करना चाहिए। आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन आगमन स्थान पर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 635वां जयंती पूर्व एवं रविदास धर्म का 300 स्थापना दिवस मनाने के लिए विश्व भर से लाखों की तादाद में संगत पहुंची है और भारत के कोने कोने से संत समाज पहुंचा है। इतिहास दोहराए हलो बनारस साध संगत जी
एक इतिहास रचाउणा ए। बोले सो नरपै सतगुरु दास महाराज की जय। बोले सो नरपै सतगुरु स्वामी सतगुरु दास महाराज की जय। बोले सो नरपै सर्व पेख भगवान की जय। सतनाम जी तेरा नाम जी जपो सतनाम 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 जी तेरा नाम जी जपो सतनाम 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 जी तेरा नाम रविदास
खुशियां खेड़े मकसदी पंद्रास दिहाड़ा परते खुशियां खेड़े सारे चानन चानन सारे चानन चानन सारे चानन चानन हो गया माकल साधे वेड़े सारे चानन चानन हो गया माकल साधे वेड़े सारे चानन चानन हो गया माकल साधे वेड़े देवते सीस निवाउंदे लख लख शुक्र मनाउंदे ओदा लख लख शुक्र मनाउंदे ओदा लख लख शुक्र मनाउंदे रखो दर्द सुहाई होई अरशो फुल बरसाउंदे ओदा अरशो फुल बरसाउंदे ओदा अरशो फुल बरसाउंदे चाई पिता संतोख दास जी चाई पिता संतोख दास जी वंडदे लड्डू पेड़े सारे चानन चानन सारे चानन चानन सारे चानन चानन हो गया माकल साधे वेड़े सारे चानन चानन हो गया माकल साधे वेड़े सारे चानन चानन हो गया माकल साधे वेड़े सतगुरु स्वामी सर्वदा महाराज की है।
आदमे गुरु प्रसाद संगत जी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के 635वें प्रकाश दिहाड़े आते रविदास धर्म के तीसरे स्थापना दिवस दी खुशी अंदर कुछ समय बाद हर दिन सांसद चलाए जाएंगे और हुण कुछ समय लई महाराज के चरण पड़े जाएंगे। जो इतने अरदास हो जाएगी उदो सेवादार उस पर इशारा करता जाएगा, उस समय महाराज जी किसान साहब सब समाज के नाल रहोगे तो रवि प्रभाकर जी आप जो सत्संग करोगे। आओ
सच्चे पातशाह भगत पिता परमात्मा के चरणों में नमस्कार करने वास्ते आए हैं। इन्हों ने मीरा वर्गी महापुरुषा राजे राणे में अपने चरणों में ला के उपदेश दे के परम पिता परमात्मा के नाल जोड़िया और उसे ही लड़ी को अगे चलते हुए डेरा संतर बल्ला के महान महापुरुषों ने बख्शिश की और परम पिता परमात्मा के नाल सानू जोड़ रहे हैं। आओ सारिया संतान लख लख बधाइया होवन। सारी संगत अरदास नाल बोलन की कृपालता करनी जी। सारिया संगत महापुरुषों का हुक्म है, बधाइया का शब्द पढ़िया जाए। सारी संगत ने अरदास नाल बोलन की कृपालता करनी जी। जेडे वीर सज्जन आवाज में होर गल कर रहे हैं, बेनती परम पिता परमात्मा के नाम से गल होनी चाहिए ने। आओ सारिया संगत सतगुर के चरणों में हाजरियां भरीए ते जीवन सफल करिए। बधाइया संगत ते तू ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਸਵਾਮੀ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪੀ
पंज कार्ड कर
Thank you.
आसमान दे विच लैके ये बेनती अरदास करिए जी। सगल पवन के नायका कृष्ण दिखाए, सगल पवन के नायका दिखाए, एक शिव दर्श दिखाए, सगल भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए, सगल भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए, गुरु की प्यारी सत्संग जीओ। आज जिथे सारिया संगतां साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के आगमन दिवस मना रही ने, उथे नाल दी नाल रविदासिया धर्म का स्थापना दिवस भी सारिया संगतां मना रही। डेरा सचखंड बल्लां दे महान महापुरशां दी बड़ी अपार बख्शिश हुई है गुरु की प्यारी साध संग जीओ कि अज इस समाज नूं एक नाम मिलिया है, ते साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी नाम रूपी ग्रंथ लगा के एक बेनती अरदास सारिया संगतां मिलके कर रही ने। सगल भवन के नायका एक शिन दर्श दिखाए, ये बहुत बड़े भागा वाले अजीब होंगे ने जेड़े इस अवस्था विच पहुंच जाते ने सतगुरु की दया नाल, के जिन्हां सवास सवास अपने सतगुरु के दर्शन दीदारां की प्यास लगनी शुरू हो जाती। जेड़े पागा वाले जीव इस अवस्था विच पहुंच जांदे ने कि उसना नूं एक एक पल हर स्वास दे नाल अपने सतगुरु दे दर्शन दीदारां दी प्यास लगती है, ते तद सतगुरु उन्हां ते दया करदे ने, कृपा करदे ने, उन्हां नूं अपना ही रूप बना लैंदे ने, ते सचखंड दे वासी बणांदे ने। लेकिन गुरु प्यारिओ इह अवस्था उन्हां जीवां दे आउंदी है जिन्हां दी प्रीत अपने सतगुरु दे नाल सच्ची है, बिना किसी स्वार्थ दे है, निरस्वार्थ प्रीत वालियां दी अवस्था ए आम दी है कि उन्हां नूं स्वास स्वास सतगुरु दे दर्शन दीदारां दी प्यास लगदी है, ते सच्ची प्रीत उन्हां दी ही पैमदी है जिन्हां दी अपने सतगुरु प्रति टेक मजबूत होए। ए नहीं कि जीवन काल विच रहता जिन्नी कोई दुख तकलीफ आ जाए ते असीं अपने सतगुरु दा पल्ला छड्ड के किते होरे तुरे फिरीए, जिन्हां ने अपनी टेक मजबूत रखी है सतगुरु नाल सच्ची प्रीत उन्हां दी पई, ते सच्ची प्रीत वाले गुरु प्यारिओ सचखंड दे वासी बन जांदे ने। इतिहास गवाह है कि जिन्हां सच्ची सतगुरां नाल प्रीत पाई है अपने गुरु नाल, अज असीं उन्हां नूं संत महापुरश कह के संबोधित करदे हां, उन्हां नूं हमेशा याद करदे हां, नमन करदे हां, उन्हां दी पूजा करदे हां। सो आओ सच्चे मन नाल सतगुरु दे चरणां विच सच्ची प्रीत पाईए, ते गुरु की प्यारी साध संग जी एक मन चित हो गए सतगुरु के दर्शन दीदारां दी प्यास मन दे विच लैके ये बेनती अरदास करिए जी। सगल पवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए,
सगले पवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए जी, कृष्ण दर्श दिखाए जी, कृष्ण दर्श दिखाए गुरु की प्यारी सत्संग जीओ। अज जिथे सारिया संगतां साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के आगमन दिवस मना रही ने, उथे नाल दी नाल रविदासिया धर्म का स्थापना दिवस भी सारिया संगतां मना रही। डेरा सचखंड बल्लां दे महान महापुरशां दी बड़ी अपार बख्शिश हुई है गुरु की प्यारी साध संगत जीओ कि अज इस समाज नूं एक नाम मिलिया है ते साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी नाम रूपी ग्रंथ आस आस जे गरम बड़े सुने मन लाए असी लोग जो दर दर दियां ठोकरां खा रहे हैं भाई सतगुरां ने कृपा कीती है सानू खुला संदेश देके समझावन की कोशिश कीती है ते आओ सतगुरां दे संदेश नूं समझिए। रविदास जेहे ग्रंथ है पढ़े सुने जित लाए रविदास जेहे ग्रंथ है पढ़े सुने जित लाए सभी पदार्थ Love।
सभी पदार्थ मिलेंगे, इससे सब बल पाए रविदास ये ग्रंथ है। पढ़े ओ लोग जो समझते सन के सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा का नाम लेना सिर्फ उन्हां दा ही अधिकार है, वह साढ़े ते तरह तरह के अत्याचार करते सन। जेकर कोई विद्या की साढ़े समाज चो गल करता सी उसकी जीबा कटती जाती सी, कन्ना च ढाल ढाल सिक्के पाए जाते सन। तद साढ़े ते तरस करके मेरे साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी होरां इस संसार विच साढ़े वास्ते अवतार लिया। ते जिवें गुरु की प्यारी साध संगत जीओ सतगुरु ते आए साडे जीवां दा पति उमर पै उन लोकां भरम के दूते जिहड़े सत करदे सलूक कर जी राम भाई तरां तरां बाणा पा के पपूतियां मल के माला हाथ विच फड के तरां तरां दे टिक्के लगा के की इस तरह परमात्मा की प्राप्ति हो जांदी है। यह सारा कुछ तुसी संसार नूं भरम विच पाया होया है, तुसी लुट पाई हुई है, इन्हां लोकां नूं परम भुलेखियां च पाया है। जेकर भाई परमात्मा ना मिलना है तो एक सच्ची प्रीत की जरूरत है, परमात्मा की फिर ही प्राप्ति हो जाएगी, बाणे पा के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हुण राज ही मंग लिता है सतगुरां, कहिंदे भावें तुसी करो राज पर ऐसा राज होए कि यह जिहड़े लोकां नूं तुसी दबिया है, जिन्हां नूं कुचल रहे हो दिन रात, जिन्हां की दुर्दशा कीती है, ये भी परमात्मा का ही एक अंग हैं। भाई इन्हों सत्कार देना शुरू करो, इन्हों की भी मान वड्याई होनी चाहिए है, राजपाठ के इन्हों का भी बोलवाला होना चाहिए है, ये भी तुहाडे नाल मिलके बराबर बैठना शुरू कर, ऐसी साडी मंग है, सानू यही कुछ चाहिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने सदिया तो सानू जानवरों तो भी बत्ता रखा सी, उन्होंने ये गल मंजूर ना हुई, ते भज भज के जाके अपने हाकम दे कोल सतगुरु दे प्रति शिकायतां लगांदे ने कि महाराज जिन्हां नूं असीं हुण तक दबा के रख्या है, उन्हां विचों एक नौजवान गबरू रविदास नाम दा लड़का साडा विरोध करदा है, साडे कोलों राजपाठ दी मंग करदा है, सानू कहिंदा है कि साडा राम झूठा है, साडा झूठा प्रचार करदे हन, उन्हां नूं सभा विच बुला के दंडित किया जाए, नहीं तो आवण वाला समां जिहड़ा है वह गंभीर होएगा। जाके शिकायतां लगांदे ने, पर दूसरी तरफ मेरे सतगुरां ये जो उन्हां प्रति बिगल बजाता है, न्याय लैण दा जो हक मंगिया है, उसका झंडा बुलंद किया है, हर शहर हर गली पूरे संसार दे विच सतगुरां ने इस आवाज नूं बुलंद किया है, इक्को सवाल किया है उन्हां लोगां तक, हर गली विच खड़ के हर मोड़ ते खड़ के सवाल करते ने, उन्हां लोगां नूं कहिंदे ने अगे चल के गुरु की प्यारी साध संग जीओ आप सब जानते हो इतिहास तो वाकफ हो कि किवें सतगुरां ने उन्हां दे सारे लोगों के भरम भुलेखे दूर किए, जिहड़े सतगुरां की शरण विच आ गए वो तर गए, क्योंकि मेरे सतगुरु साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी दयालता का बहुत बड़ा समुंदर ने, जितने मर्जी माड़े कर्म किते होवन, जिसने सतगुरु की शरण ले ली गुरु की प्यारी साध संग जी
वह आवागमन के चक्कर तो मुक्त हो गए। गौर करिए कि लगभग 52 राजे राणिया ने राजपाठ नूं ठोकर मार के ते सतपुरां दी शरण ग्रहण कीती है, ते जिन्हां ने शरण ग्रहण कीती है अज असीं उन्हां दा सतिकार करदे हां, उन्हां नूं हर वक्त याद करदे हां, उन्हां दी जीवनी तों कुछ सेधां प्राप्त करदे हां। आओ अज भी जिहड़े साडे वीर कुछ भटके फिरदे ने उह भाई आओ गुरु की संगत में गुरु दे चरणां नाल जुड़ जाइए, सतगुरु तुहानूं भी बख्श देणगे। सारिया संगत मिलकर साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज के चरणों नाल जुड़ के आओ गुरु की जो बोले सो नर पै सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की। आदनीय गुरु साध संगत जी, हम कर आयो राम पतार, गावो मिल सख मंगलाचार। ये पावन शब्द जगत गुरु सतगुरु विदास महाराज ने उस समय उच्चारण किया जब उनके पावन आश्रम में संत महापुरुष आए कि आज हमारे घर में प्रभु के प्यारे संत महापुरुष आए हैं, हम सबको मिलकर मंगल में गीत गाने चाहिए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अब मैं विनय करता हूँ जिनकी किताबें और बीसीडी रिलीज की जाएंगी, कृपा मंच पर पहुंचने की कृपालता करें। और श्रीमान सुभाष मुसाफर जी, जहां भी मेरी वाणी को सुनते हो मंच पर पहुंचने की कृपालता करें। सबसे पहले जो सतगुरु रंजन दास महाराज जी के आशीर्वाद से संत समाज के सहयोग से जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन जन्म स्थान के जो मंदिर के जो अगले छोटियां छोटी गुमदी हैं उनको स्वर्णमर्थ किया है महाराज उद्घाटन करेंगे। और मैं सब पहले इससे पहले सबको ये विनय करता हूँ जिनकी बीसीडी और किताबें रिलीज होनी है, कृपा मंच पर आने की कृपालता करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आज अपने चैनल कांची टीवी के माध्यम से ये प्रोग्राम पूरे विश्व भर में रिकॉर्ड कर दिखाया जा रहा है। अब मैं सतगुरु रंजन दास जी महाराज और संत समाज से विनय करता हूँ कि जो संत महाराज रामानंद जी ने संकल्प लिया था, चलो बनारस साध संगत जी एक इतिहास रचाना है, गुरु रविदास के मंदिर नू सोने विच मढ़ाना है। अब सतगुरु नंदन दास जी महाराज जैसे 633 में प्रकाश दिहाड़े पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर का जो गुमत है स्वर्णमर्थ किया गया था, अब सतगुरु नंदन दास जी महाराज संत समाज के सहयोग से महाराज जी जहां से झंडा हरका लहराएंगे और वहां मंदिर के जो गुमद हैं उनको वहां से पर्दा हटाया जाएगा, अगलिया जो दो गुमनिया है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज महाराज सतगुरु नंदन दास जी महाराज रिमोट कंट्रोल दबाकर जो पर्दा हटाने की रस्म है वो अदा करेंगे। जो बोले सो नर पै जगत गुरु विदास महाराज की। जो बोले सोनर पै सतगुरु बाबा पिपल दास महाराज की। जो बोले सोनर पै सतगुरु स्वामी दास महाराज की। जो बोले सोनर पै सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की। जो बोले सोनर पै सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की। जो बोले सोनर पै अमर श्री संत रामानंद महाराज की। जय गुरुदेव। तो गुरु प्यारी साध संगत जी महाराज जी को इधर खड़े रहे संत समाज। अब सबसे पहले कुछ किताबें और बीसीडी रिलीज की जाएंगी। सबसे पहले अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की, उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में हमारे समाज के जो अनमोल हीरे हैं श्रीमान श्रीराम अर्ज जी, उन्होंने कठिन 2 साल की मेहनत के बाद जगत गुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी को
इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। सतगुरु रंजन दास जी महाराज इस पावन पुस्तक का इंग्लिश में जो है विमोचन करेंगे। श्री राम अर्ष जी महाराज जी के साथ आगे आने की कृपालता करें, साथ ही हमारे शक्ति जो है श्री साधुराम ही जी आगे आने की कृपालता करें। श्री राम अर्ष जी जिन्होंने अनेकों पुस्तकें सतगुरु रविदास महाराज जी पर लिखी हैं, रविदास या धर्म और हर का निशान ये पावन पुस्तक पिछले प्रोग्राम में रिलीज की गई थी और इनको डेरा सिकंद बल्ला की ओर से गोल्ड मेडल दिया गया। आप महाराज जी कृपा कर रहे हैं और इंग्लिश में अमृत वाणी का जो टीका है व्याख्या इसको रिलीज कर रहे हैं। जो बोले सो नृपै जगत गुरु रविदास महाराज की, जो बोले सो नृपै सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज की। इस पावन पुस्तक के दर्शन महाराज जी सब संगत को करा रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड में सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी के साथ साथ जो व्याख्या है इंग्लिश में रिलीज की जाएगी तो सब संगत को पढ़ने का अवसर मिलेगा। श्री राम अर्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी पुस्तक जो हिंदी में अमृत वाणी का स्टीक है सतगुरु रंजन दास जी महाराज के आशीर्वाद से लिखी गई है, महाराज का शुभ उद्घाटन करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी श्रीमान सुखदेव बागमारे जी ने इस पावन पुस्तक को मराठी में, तेलुगु में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। आज जगत गुरु रविदास महाराज जी का जो मिशन है सतगुरु रविदास महाराज जी के आशीर्वाद से पुस्तकों द्वारा बीसीडी द्वारा पूरे विश्व में पहुंच चुका है। जो बोले सो नृपै जगत गुरु रविदास महाराज की, जो बोले सो नृपै सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज की। अब सुख सागर जो पावन गुटका है पंजाबी में पहले रिलीज हुआ था जिसमें अमृत वेले की बानी, संध्या की बानी, विवाह की विधि और सारे रीति रिवाज दिए गए हैं। श्री गुरुदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छपाया गया है, महाराज जी रिलीज कर रहे हैं। उसके पश्चात रविदासिया धर्म एवं हर का निशान, हमारे समाज के बहुत छोटी उम्र के श्री जेस कैन जी जिन्होंने इसको पंजाबी में लिखा और सुखविंदर गोल्डी जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है उस पुस्तक का, इसके पश्चात वो रिलीज की जाएगी। जो बोले सो नृपै जगत गुरु रविदास महाराज की, जो बोले सो नृपै सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज की। श्री महाराजेश कैंत के पिताजी विशंबर दास जी आए मंच पर और उनके साथ सुखविंदर गोल्डी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी इसके साथ ही जगत गुरु रविदास महाराज जी के 140 शब्द और 40 पदे 180 शब्द की चार भागों में डीवीडी रिलीज की जा रही है और ये सतगुरु रंजन दास जी महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या की गई है जिसमें प्रधान गुरदयाल सिंह जी ने सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी को उच्चारण किया है और महाराज रंजन दास जी के आशीर्वाद से दास को व्याख्या करने का अवसर मिला है, वो रिलीज की जाएगी। सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी के 140 शब्द शब्द 40 पदे 180 शब्द और इसके साथ इसकी MP3 स्टाल पर उपलब्ध है। ये चार भागों में है, इसमें एक भाग में 3-3 BCD हैं। तो अब की कृपा से बाबा पिपल दास जी महाराज, सतगुरु स्वामी श्रवण दास जी महाराज, सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, गुरुगद्दी पर विराजमान सतगुरु स्वामी नंदन दास जी महाराज
और अमर श्री संत रामानंद जी महाराज की कृपा से ये सारे महान कार्य किए गए हैं। जो बोले सो निरपेक्ष रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब तेरी कांची में आए हुए हैं। हिंदी में कैसेट है जिसमें सतगुरु रविदास महाराज जी के गीत है। दलवीर हरिपुरी जी ने बहुत मेहनत से इन पावन शब्दों को गाया है, महाराज जी रिलीज कर रहे हैं। सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज, जो बोले सो निरपै सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की। अब इसके बाद जो सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी के पावन दोहे हैं, जो प्रसिद्ध गायिका रन्ना जी ने गाए हैं, वो महाराज जी बीसीडी जी का विमोचन करेंगे। जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की। और इसके पश्चात सतगुरु के संग लाकर ये पावन बीसीडी ऑडियो सीडी, जिसको पाईस्ती जी जिनका आपने पावन कीर्तन सुना, बड़ी मेहनत से तैयार किया है। इनकी पहले भी काफी बीसीडी अमृत वाणी की रिलीज हो चुकी हैं। जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री मां रवि प्रभागा जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन बीसीडी तैयार की है, बेगमपुरा बसोना है, रिलीज की जाएंगी। महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत होने की कृपालता करें जी। जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो निरपै सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन सब बुद्धिजीवियों का, गायकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सतगुरु रंजन दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और मेहनत की है। और श्रीमान श्री राम अर्श जी, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम से सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन तैयार किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भारत की अनेक भाषाओं में उसकी व्याख्या हो चुकी है। सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन अमृत वाणी पढ़कर हर वर्ग के लोग अपना अमोलक जीवन सफल कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब मैं विनय करता हूं संत सरवण दास चैरिटेबल ट्रस्ट कनेडा, श्रीमान डॉक्टर सतपाल जी, जिन्होंने कनेडा से संत सरवण दास चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए बहुत सी जो मशीनें हैं पहले भी दान दे चुके हैं, और उनके साथ जो वहां के नागरिक हैं सिटीजन ऑफ कनेडा महाराज के दरबार में आए हैं, और महाराज जी का पावन शब्द आप सब संगत को श्रवण कराएंगे। कृपा मंच पर आने की कृपालता करें। उनके बाद श्रीमान आरपी शास्त्री जी, श्रीमान विजय कपूर जी, जिन पर सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है, आपको कीर्तन श्रवण कराएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज सतगुरु रविदास महाराज जी की बड़ी महान कृपा है, डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों की बड़ी महान कृपा है, मंच पर विराजमान संत समाज और जगत गुरु रविदास महाराज जी के समर्पित पैरोकारों की बहुत बड़ी जो मेहनत है, जो आज रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर हो चुका है, अमृत वाणी के प्रकाश हजारों की तादाद में विश्व के कोने कोने में हो चुके हैं। आज सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी पढ़कर समाज अपने सारे रीति रिवाज करता है। तो अब आप सबको संत सरवण दास चैरिटेबल ट्रस्ट कनेडा के मेंबर और जो कनेडा के सिटीजन आए हुए हैं, आपको अमृत वाणी का शब्द श्रवण कराएंगे।
these guys. जय गुरदेव धन गुरदेव। अज का दिहाड़ा 635वां अवतार दिवस श्री गुरदास महाराज जी तीजा रविदास धर्म स्थापना दिवस जिसनू मनाने लई कांची की धरती ते विश्व के कोने कोने और भारत के कोने कोने तो संगतां पहुंचियां ने। असीं श्री 108 संत सरबन दास चैरिटेबल ट्रस्ट वैस्ट कनेडा वालों पूरे विश्व नूं सतगुरु महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी दे अवतार पुरब उपर कोट कोट करोड़ करोड़ बधाई पेश करदे हां। और नाल ही असीं उहनां संत महापुरशां दा संत सरबन दास जी महाराज डेरा सचखंड बल्लां गद्दीनशील श्री 108 संत रंजन दास महाराज जी और काम दे महान शहीद संत रामानंद महाराज जी संत सुरेंद्र दास बाबा जी उन्होंने कोट कोट प्रणाम करते हैं जिन्हों की कोट कोट मेहनत सदका अज असी सारे ये दिन देखने दे योग होए हैं। असि भी कांची की धरती से आकर अपने रैवरां का दिन मना लगे हैं। तो हुण साडे कनेडा तो ट्रस्ट डॉक्टर सतपाल जी अपने नाल अपने सहयोगी जो कनेडा तो पूरी टीम आई है जिन्हां नूं डॉक्टर सतपाल होनी और साडे भैन जी सरोज महे होनी इन्हां नूं इत्थे लिआउण दे विच और शब्दगंज च काफी सहयोग किया। सतपाल जी होने हुण आप जी नूं अपने जथे मुताबिक एक शब्द सरवण करवाउंगे। थैंक यू। जो बोले सो निरपै गुरु रविदास महाराज की जय। हर का नाम सत है हर का नाम सत Oh,
सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की। गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री डॉक्टर सतपाल महेश जी और श्रीमान वरिंदर बंगर जी, जो के संत सरवण दास चैरिटेबल ट्रस्ट कनेडा के कन्वीनर हैं, और जो उनके साथ डॉक्टर आए हुए हैं कनाडा से, उनसे आप जी ने जगत रविदास महाराज की पावन आरती श्रवण की, जिसमें जगत गुरु रविदास महाराज जी ने सब जीवों को ये पावन उपदेश दिया, हर के नारी को सुनते हो
मंच पर आने की कृपालता करें जी। रविदास जगत महराम सम को नाही उदार गनी गरीब नवाज प्रभु दीनन को रखबा पंथ की पाल की रविदास बैठियो साची सामी मिलन को आनंद कहियो न जिह्वासों ओंकार जप हथन सो कर राम मिलही घर आई के कहीं रविदास बिचार संतों अनिन भगति यहुना संतो अनिन भगति यहुनाई जब लगी सतरज तम तीनों गुण जब लगी सतरज तम तीनों गुण व्यापक है या माही संतो अनिन भगति यहुना संतो अनिन भगति यहुना
सने इष्ट अंग लावे अस्थलिया स्थली खेले शक्ति सने इष्ट अंग लावे अस्थलिया स्थली खेले जो कछु मिले आनिया खरसों जो कछु मिले आनिया खरसों सुत तारा सिर मेले संतो अनिन भगति यहुदा संतो अनिन भगति यहुदा जब लगी सतरज हम तीनों गुण व्यापक है या माही संतो अनिन भगति यहुदा संतो अनिन भगति यहुदा तजियान तन त्यागे धन सागा मर दे हरि जन हरि बिनु और न जाने तजियान तनु त्यागी कहे रविदास रविदास कहे रविदास रविदास कहे रविदास सोई चलो निर्मल कहे रविदास सोई चलो निर्मल निश्चिन निज अनुरागी संतो अनिन भगति यहुदा संतो अनिन भगति यहुदा जब लगी सतरज तम तीनों गुण जब लगी सतरज तम तीनों गुण व्यापक है या माही संतो अनिन भगति यहुदा संतो अनिन भगति यहुदा संतो अनिन भगति यहुदा अनिन भगति यहुदा अनिन भगति
सर्व व्यापक राम हरि ना को एक ठाम सदगुरु साहिब सखा भयो रविदास हमारो राम गरे ने सगा मा पानी दा पगा मरे रे सब घट मोरा साया जल बारयो रविदास नगर मही रमी रहो कहूं न इत उत जाए सब घट माही रमी रहो रविदास हमारो सोई बूझई राम को जो होई राम गुलाम अजी माधो 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 संगति सरली तुम्हारी माधो संगति सरली तुम्हारी भुज में विप्रो जस कीरा पीवत डाल फूल रस अमृत पीवत डाल पीवत डाल फूल रस अमृत सहजी भाई मति हीरा माधो संगति सरली तुम्हारी माधो संगति सरली तुम्हारी
तुम चंदन हो रंग पापुरो निकट तुम्हारो बास तुम चंदन हो रंग पापुरो निकट तुम्हारो बास नीच भी प्रीते ऊंच भाए हम नीच भी प्रीते ऊंच भाए हम तेरी बास सुभाषा माधु संगति सरणी तुम अरे माधु संगति सरणी तुम्हारी जग जीवन कृष्ण मुरारी जग जीवन कृष्ण मुरारी माधु संगति सरणी तुम्हारी माधु संगति सरणी तुम्हारी जन्म यो ओछा कस हमारा हम शरणागति हम शरणागति राम हम शरणागति हम शरणागति राम राय की कहे रविदास बिचारा साधु संगति सरणी तुम्हारी साधु संगति सरणी तुम्हारी जग जीवन कृष्ण मुरारी जग जीवन कृष्ण मुरारी माधु संगति सरणी तुम्हारी संगति सरणी तुम्हारी जग जीवन कृष्ण मुरारी माधु संगति सरणी तुम्हारी संगति सरणी संगति सरणी संगति सरणी तुम्हारी
हेलो हेलो चेक हेलो Bingo!